यार दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो मेन रोड से मात्र और मात्र 50 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और सारी ही डिटेल्स मैं आपको जो है बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जिन लोगों का भी बजट कम है उन लोगों के लिए मैं प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर ये 3 BHK है, यानी कि 3 rooms यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और इसके बैक साइड में जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो 2 BHK है। इसका जो प्राइस होने वाला है वो आस्किंग प्राइस 18.5 लाख रुपए है, और बैक साइड में जो प्रॉपर्टी इसकी दी गई है उसका प्राइस होने वाला है मात्र और मात्र 16.5 लाख रुपए। अगर आप भी चाह रहे हैं एक बजट सेगमेंट में एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी होने वाली है। देखिए अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टी है। आप सोचेंगे कि इसका साइजेस काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। प्राइस के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। आपने देख लिया इसका फ्रंट एलिवेशन किस तरीके का यहाँ पर आपको दिया गया है। मेन एंट्री कुछ इस तरीके की आपको मिल रही है, और इस तरीके का आपको डोर मिल जाता है जो कि बाहर की साइड में आपको दिया गया है। और यहीं से होते हुए हम लोग आपको लेकर के चलेंगे इसके मकान के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना हुआ है। पॉर्च की अगर मैं बात करूं तो इजीली 2 bikes आप इजीली पार्क कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको पानी की सुविधा दी गई है, पानी की सुविधा यहाँ पर आपको बोरिंग के माध्यम से दी गई है, साथ ही स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर पूरी कॉलोनी के अंदर दी गई है, और पूरी ही गेटेड टाउनशिप होने वाली है। 5 से 6 हज़ार कैपेसिटी का यहाँ पर आपको वाटर टैंक प्रोविजन है। बाहर से ही आपको स्टेयर्स का प्रोविजन दिया गया है, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर, इसके सेकंड फ्लोर पर आपको लेकर के जाता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। और साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज़ यहाँ पर होने वाला है 53 गज का। और फ्रंट की अगर बात की जाए तो फ्रंट भी यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा होने वाला है। ऊपर की तरफ देख लीजिए यहाँ पर इसकी फुल सीलिंग का डिज़ाइन, फुल सीलिंग का जो डिज़ाइन है जो बहुत ही प्यारा होने वाला है। ऊपर की तरफ देख लीजिए किस तरीके का फुल सीलिंग का डिज़ाइन है। यहाँ पर 16 का फ्रंट है और 30 की डेप्थ होने वाली है। यहाँ पर आप देख लीजिए सामने की साइड में टेक्सचर डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। इस साइड में आ जाती है किचन, अभी जो किचन का फ्रेमिंग वर्क है वो थोड़ा बहुत बाकी है, तो लाइटिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको करके दिया जाएगा। अंदर की साइड में आपको दिखा दूँ किस तरीके का आपको मिल जाता है ये जो है किचन, एल शेप में मिल जाती है किचन। यहाँ पर आपको दिया गया है ये इसका जो है वॉशिंग एरिया, जहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैबिनेट्स है, नीचे के साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स आपको मिल जाती है। अगर बात करूं यहाँ पर काउंटर टॉप की, तो काउंटर टॉप यहाँ पर जो है आपको ग्रेनाइट लगा करके दिया गया है। बैक साइड में देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होगा। 2 rooms नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल कराए गए हैं, और 1 room यहाँ पर जो है इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। यह आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम, और बेडरूम का साइज़ यहाँ पर होने वाला है लगभग 10x8x10 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो है प्यारा सा फुल सीलिंग का डिज़ाइन है। साथ ही इस साइड में आपको मिल जाता है ये इसके बैकयार्ड का एरिया, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके का वेंटिलेशन आपका हो रहा है। साथ ही इस रूम के साथ में आपको यहाँ पर बड़ी सी वार्डरोब का प्रोविज़न है, जहाँ पर आपके जो भी कपड़े वगैरह हों वो इजीली यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस साइड में विंडो का प्रोविज़न दिया गया है, जहाँ से आपका प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो आपने देखा इसका फर्स्ट बेडरूम, लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर आ जाता है ये इसका कॉमन बाथरूम, एक बार देख लीजिए। कॉमन बाथरूम की अगर साइज़ की मैं बात करूँ, साइज़ यहाँ पर काफ़ी प्यारा है, और इंडियन शीट यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। और ये आपने देखा इसका कॉमन बाथरूम, अभी मैं आपको दिखा दूँ इसका जो है सेकंड बेडरूम, और बेडरूम का साइज़ यहाँ पर भी जो है लगभग 8x9 का साइज़ यहाँ पर बेडरूम का मिल जाता है। इस साइड में देखेंगे विंडो का प्रोविज़न है, साइड सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर देखिए टेक्सचर डिज़ाइन। ऊपर की साइड में आपको पीओपी वर्क है, साथ ही वुडन का टेक्सचर आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको दी गई है यहाँ पर बड़ी सी विंडो का प्रोविज़न, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। आस्किंग प्राइस की अगर बात करूँ 18.5 लाख रुपये होने वाली है 3 BHK की, और 2 BHK की आस्किंग प्राइस होने वाली है 16.5 लाख रुपये। परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ जाकर के आप बिल्डर सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। स्टेयर्स की अगर बात की जाए तो ग्रेनाइट का वर्क यहाँ पर भी आपको करके दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे फिक्स ग्लास के साथ में इसे कवर करके दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है SS का वर्क है, जो कि इसके रेलिंग पे आपको मिल जाता है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उसके ओपन टेरेस पे, और ये आ जाता है इसके ओपन टेरेस का एरिया। देखिए जैसे मैंने आपको नीचे की साइड में दिखाया एज इट इज़, ऊपर की तरफ भी आपको मिलेगा वहाँ पर, लेकिन जो मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसा जो मिलेगा 16.5 लाख रुपये में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये होने वाला है 3 BHK। कॉमन टॉयलेट यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देख लीजिए, आपको नीचे वाले में नहीं दिखा होगा, यहाँ पर प्रॉपर आपको विजिबल होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी। ये है इसका सेकंड बाथरूम, और यहाँ पर ये देख लीजिए इसका थर्ड बेडरूम। सामने की साइड में यहाँ पर टेक्सचर डिज़ाइन, विंडो का प्रोविज़न, ऊपर की तरफ पीओपी वर्क जो कि इसकी सीलिंग पर है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपको जो है मिल जाता है विंडो का प्रोविज़न,
और 2.5 फीट की बालकनी का स्पेस आपको दिया गया है। ऊपर की साइड में देख लीजिए वुडन का प्यारा सा टेक्सचर है, और आसपास का कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया देख लीजिए किस तरीके का है। पूरा ऑक्यूपाइड एरिया होने वाला है। मेन रोड से अगर बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, मेन रोड से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। सभी प्रकार की सुविधाएं नियर बाय यहाँ पर मिल जाती है। चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना, कॉल कीजिए, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं बिल्डर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के, वहाँ जाकर के आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अप टू 80-90% लोनेबल प्रॉपर्टी है, तो लोन से रिलेवेंट भी कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पर 2,67,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना है वो भी आपको मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।